हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी हरी मटर के साथ। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ हमने लिया है आधा किलो टमाटर, इसे अच्छी तरह से धो करके हम साफ कर लिए हैं। 100 ग्राम मटर, 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक को अच्छी तरह से छील करके धोकर हमें साफ कर लिया है। इसे अब या तो कद्दूकस कर लें या कूट लें। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी 2 छोटा चम्मच, नमक 2 छोटा चम्मच और गुड़, गुड़ हमने 50 ग्राम लिया है। फोरन, फोरन के लिए हमने लिया है तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च 5 फोरन और हींग 5 फोरन। कैसे बनाते हैं ये अगर आपको नहीं मालूम हो तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करें। यहाँ सबसे पहले हमें टमाटर को बॉईल करना है, तो सभी टमाटर को हम लगभग 1.5 गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी के साथ इसे हम उबलने के लिए अब गैस पर चढ़ा देंगे। गैस हमने ऑन कर लिया है और इसे अब ढक्कन लगा करके हम सीटी लगा लेंगे यहाँ, और 2 सीटी आने तक इसे हम तेज आंच पर ही पकाएंगे। ये देखिए 2 सीटी हमारा लग चुका है कुकर का, तो गैस यहाँ हम बंद कर लिए हैं। ठंडा होने पर हम खोल लेंगे कुकर को और आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह से हमारा पक चुका है। तो इसी तरह से टमाटर पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि टमाटर का जो छिलका रहता है वो काफ़ी मोटा रहता है। अगर छिलका रहेगा टमाटर में और हम कच्चे टमाटर को अगर काटेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा सा चटनी हमारा स्मूथ नहीं तैयार होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉईल होने के बाद हम सभी छिलके यहाँ से हटा देंगे टमाटर का। इस तरह से हमें सभी टमाटर का छिलका यहाँ से हटा निकाल करके फेंक देना है। टमाटर में हमें छिलके नहीं चाहिए चटनी में। ये देखिए हमने सारा छिलके निकाल दिए हैं टमाटर का। उबले हुए टमाटर को हमें अच्छी तरह से काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़े इसके बारीक हमें कर लेने हैं। ये देखिए हमने सारे टमाटर काट लिए हैं, तो आपको भी इसी तरह से टमाटर का बारीक काट लेना है। अब हम गैस ऑन कर लिए हैं और तेज आंच पर ही हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। और अब हमें यहाँ फोरन बनाना है टमाटर की चटनी के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ सरसों का तेल ली हूँ, क्योंकि हमारे मिथिला में जो भी सब्जी या पकौड़े जो कुछ हम बनाते हैं वो हम सरसों की तेल में ही बनाते हैं, और सरसों का तेल का अपना एक अलग सा टेस्ट होता है। में बहुत अच्छा सा टेस्ट के साथ साथ फ्लेवर भी बहुत अच्छी आती है। जो भी सब्जी बनाएं या जो भी पकौड़े वगैरह आप तलते हैं, तो इसलिए हम हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। आप भी अगर सरसों का तेल खाते हो तो सरसों का तेल ही यहाँ यूज़ करें। अब हल्का सा तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर फ़ौरन के लिए हमने तेज पत्ता डाला, हम सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, और हल्का सा जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके साथ ही हमें यहाँ पे डालना है 5 फोरन। हमारा फोरन अब मिर्च और तेज पत्ता अगर अच्छे से पक चुका है, तो अब हम यहाँ डालेंगे इसमें हींग, हींग वही 1 छोटा चम्मच जो हमने लिया था। तो अब हींग डाल करके इसे अच्छे से हमें पकाना है। हींग को अच्छी तरह से पका करके लाल कर देना है,
अगर हींग थोड़ा सा भी कच्चा रहेगा तो उसका एक स्मेल से आने लगता है सब्जी में, तो इसीलिए हींग को काफ़ी अच्छी तरह से पकाना होता है। देख रहे हैं कि हींग को हमने लाल हो चुका है पक करके हमारा हींग, तो अब हम यहाँ पे आंच को कम कर लेंगे, गैस को हम स्लो कर लेंगे और इसमें हम कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। कटा हुआ टमाटर डालने के बाद अभी हमें इसे 5 मिनट तक इसी तरह हमें चलाते हुए भूनना है, तेज आंचों पर ही हम इसे अभी भूनेंगे। हल्का सा जो टमाटर में पानी जैसा था उसे हमें सूखा कर लेना है, तो अभी है करीब करीब इसे 5 मिनट तक आपको तेज आंच पर ही भूनना है। ये हमारा करीब करीब 6 से 7 मिनट हो चुका है और आप देख रहे हैं पानी इसका बहुत कम हो चुका है, पानी लगभग जल चुका है। तो यहाँ पर हम अब डालेंगे इसमें अदरक जो हम कूट कर रखे थे वो, और साथ ही यहाँ पर हमें मिक्स कर लेना है हमारी हरी मटर, और इसके साथ ही हम यहाँ इसमें सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। हल्दी दो दो छोटा चम्मच, और इसके बाद हम यहाँ लेंगे मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, और इसके साथ ही हमें यहाँ लेना है नमक, नमक हमने लिया है 2 छोटा चम्मच। नमक आप मिर्च ये दो चीज़ आप अपने टेस्ट के अनुसार लें तो ज़्यादा अच्छा, जितना तीखा खाना और जितना ज़्यादा कम नमक खाना पसंद करते हो तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसी तरह अब हम यहाँ गुड़ डाल लेंगे, और गुड़ मैं जितना क्वांटिटी बताई हूँ आप उतना लें ताकि सही से खट्टा मीठा सा इसका एक स्वाद आना चाहिए, तो गुड़ इसके लिए ये सही है। इतने आधा किलो टमाटर के लिए हमने जो 50 ग्राम गुड़ लिया है वो ये सही है इसके लिए क्वांटिटी। तो इन सभी को अभी हमें अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा चला लेना है, और इसे अब कम से कम ढक करके हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कम आंच पर ही अभी हम इसे पकाएंगे। ये देखिए 4 मिनट करीब हमारा हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि इसमें मसाले भी इसका पक गया है, और इसे यहाँ पे हमें मटर को भी अच्छी तरह से पकाना है। तो हम अच्छी तरह से यहाँ मिक्स कर लेना है हमें इसे, गुड़ भी हमारा इसके साथ इसमें पिघल जाना चाहिए। और यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स कर लेना होगा ताकि जो मटर है हमारा वो और गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो करके पक जाए। यहाँ पे हम लगभग 100 ml पानी यहाँ डाले हैं और इसे फिर अच्छी तरह से हम मिक्स करके, और अब हम यहाँ इसे ढक करके पकाएंगे। लगभग 5 मिनट के लिए हम इसे कम आंच पे ही ढक करके पकाएंगे ताकि गुड़ मटर और सारे मसाले जो हमने डाले हैं इसमें वो अच्छी तरह से इसका पक करके और सही टेस्ट इसका आना चाहिए। ये देखिए 5 मिनट करीब हमारा हो चुका है और ये अब मटर भी पक चुका है, गुड़ भी हमारा पिघल चुका है इसमें, और अच्छी तरह से अब ये इसका कलर ही बिल्कुल लाल कलर आ गया है जो टमाटर के चटनी का एक अच्छा सा लाल कलर आना चाहिए। अब हमारा ये टमाटर का चटनी तैयार हो चुका है, आप देख रहे होंगे इसका रंग भी बिल्कुल लाल आ गया है, यही रंग आना चाहिए चटनी का। तो अब हमारा चटनी तैयार है, अब हमें यहाँ पर गैस ऑफ कर लेना है। ये देखिए हमारा चटनी बन के तैयार है, और इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत कलर और उतना ही अच्छा टेस्ट इसका खट्टा मीठा टेस्ट आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को हिट कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।